के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीत के साथ ओलंपिक में अपने सफर की शुरुआत कर दी है। उन्होंने महिलाओं के सिंगल्स मुकाबले के पहले दौर में इजरायली की केसेनिया पोलिकारपोवा को महज 28 मिनट में ही 21-7, 21-10 से मात दी। भले ही सिंधु ने थोड़ी सी ढीली शुरुआत की, लेकिन बाद में वो इस मुकाबले में हावी रही और उन्होंने अपने आक्रामक खेल से इजरायली खिलाड़ी को इस मैच में कोई मौका नहीं दिया। रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु से इस बार पूरा देश गोल्ड मेडल की आस लगाए बैठा है। ऐसे में सिंधु भी अपने इस अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप जे के इस मुकाबले में महज 13 मिनट में पहला गेम 21-7 से जीत लिया। सिंधु के अटैकिंग गेम का केसेनिया के पास कोई जवाब नहीं था, जबकि दूसरे गेम में पीवी सिंधु ने केसेनिया के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखा और शुरुआत में ही 11-4 की बढ़त बना ली। सिंधु के पावर गेम के सामने केसेनिया टिक नहीं पाई। सिंधु ने बेहद आसानी से केवल 15 मिनट में ही 21-10 के अंतर से दूसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत की स्टार खिलाड़ी ने मेडल की राह में एक कदम और बढ़ा दिया। बता दें कि ओलंपिक के बैडमिंटन इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली 26 साल की पीवी सिंधु देश की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में महिला सिंगल्स इवेंट में ये उपलब्धि हासिल की थी। इतना ही नहीं, वो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 5 पदक जीतने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी भी हैं। तो चलिए, अब देश को तो उम्मीद है कि इस बार सिंधु गोल्ड मेडल लाएंगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी उनके हाथ ये मेडल लगता है। तो चलिए, इस खबर के साथ मैं थी आपके साथ पूजा मिश्रा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।